हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। लास्ट सेशन में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 18 तुम लोगों को होमवर्क दिया था। होप सो तुम लोग ने होमवर्क अच्छे से किया रहेगा। अब सीन ऐसा है कि होमवर्क करने के बाद, वो तो तुम्हारा हो गया, अब हम लोग थोड़ा हायर लेवल पे जा रहे हैं। अभी जितने भी सेशन होंगे सब हायर लेवल पे होने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 19 से। ए बी एंड सी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013 वॉज एज फॉलोस। बिल्डिंग प्लांट स्टॉक डेटर्स, देयर इज नो कैश बैलेंस, ठीक है। क्रेडिटर्स दिया है बैंक लोन, ब्रैकेट में वर्ड है सिक्योर्ड, अंडरलाइन दैट वर्ड सिक्योर्ड। सिक्योर्ड बोल दिया मतलब इसको पहला पे करेंगे। अब तक क्रेडिटर्स पे करते थे, अभी पहला पेमेंट इसका पूरा खत्म करेंगे फिर क्रेडिटर्स पे जाएंगे। लोन फ्रॉम ए, ए बोल दिया मतलब पार्टनर का लोन हो गया, इसको लास्ट में सेटल करेंगे कैपिटल से पहले। कैपिटल अकाउंट दिया है तीन पार्टनर का, ए बी एंड सी। They decided to dissolve the business. The assets were realized gradually and the net amount were distributed immediately as given below. अच्छा खासा assets दिया हुआ है, मई जुलाई सितंबर नवंबर दिसंबर, ऐसे पांच installments है, 22,000, 16,800, 38, 45, 72, ये सब thousands में amount दिए हुए, and बाजू में देखो expenses paid दिए हैं। अच्छा पैसा आ रहा है, खर्चा कर रहे हो, तो सिंपल है नेट अमाउंट देखते हैं। तो पहले का अमाउंट है 20,000, ऐसे बाजू में लिखते जाओ 20,000, दूसरे का करो 16,800 - 1,800 = 15,000, तीसरे का तो डायरेक्ट आता है 38,000, 45 - 5 = 40, 72 - 7 आई गेस 65,000 है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एंड द लॉस टू बी बोर्न बाय द पार्टनर्स। तो ठीक है, सबसे पहला स्टेप स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मेट से। फॉर्मेट अपना रेडी है, तीन पार्टनर है, पार्टनर का नाम ए बी सी। ओपनिंग बैलेंस तो चेक करो, ओपनिंग बैलेंस दिया है 70,000, 30,000, 50,000। नाउ देर इज नो जनरल रिजर्व गिवन इन द क्वेश्चन, तो सर कुछ नहीं है, तो एक काम करते हैं अपन यहाँ पे कुछ डैश डैश कर देंगे, कुछ नहीं है, 70, 30 and 50। चलो एडजस्टेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम लोग को दिया हुआ है, चेक कर लो क्वेश्चन के बिगिनिंग में दिया है 4:3:1। सो 4:3:1 ये क्लियरली बोला है डिवाइड करना है, तो चलो डिवाइड करते हैं। सो 50 / 1 ये तो सबको आता है 50,000, 30 / 3 तो ये आ जाएगा 10,000। अब ये करना है तो चलो कैलसी पे करते हैं, 70,000 / 4 इट कम्स टू 17,500। बेस बहुत पसंद है, तीन में से जो छोटा है वो अपना बेस है। चल बेस को पकड़ के 10 × 4 = 40, 10 × 3 = 30, 10 × 1 = 10। अब लाइन के नीचे लाइन के ऊपर 1 - 2 यू विल गेट एक्सेस कैपिटल, 70 - 40 = 30, इधर डैश 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 50 - 10 = 40। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए 30 / 4, चलो वापस से 30 / 4 7,500, इधर आएगा 40,000। चलो ये सबसे कम है तो इसको ही बेस पकड़ते हैं, 30,000 = 7,500 ये हो गया खलास। तो 40,000 में से 7,500 रुपये निकाल दो, बैलेंस बचा 32,500। दिस इज माई एक्सेस कैपिटल, मतलब पार्टनर्स को पहले पे करेंगे तो इसको पे करेंगे, फिर इन दोनों का पेमेंट होगा 37,500 का। मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ 37,500, एंड फिर तीनों पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे पेमेंट होगा। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कैश स्टार्टिंग पॉइंट, नेक्स्ट सब लायबिलिटीज आएंगे, तो लायबिलिटीज में सबसे पहला आएगा लोन। देखो लोन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, रीजन ऐसा है कि ये सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड इसलिए पहला लिखा है, वरना क्रेडिटर्स हम लोग पहले लिखते थे, फिर हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स। ये एक अलग ही लायबिलिटी है, और एक लोन है, ये जो लोन है ये पार्टनर का लोन है, एंड तीन पार्टनर ए बी एंड सी। यानी पहला पेमेंट इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर तीनों पार्टनर को हम लोग एक साथ थोड़ा 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 एडजस्ट करेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद ओपनिंग बैलेंस, चेक करो ओपनिंग बैलेंस कैश का,
आई गेस दिया तो नहीं है, चलिए ठीक है, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस. लोन, सो बैंक लोन 8750. क्रेडिटर्स 26250. लोन फ्रॉम ए 10,000 एंड बाकी का पार्टनर्स का 70, 30 and 50,000. सिंस देर इज नो कैश अवेलेबल तो मैं किसी को पेमेंट नहीं कर सकता, तो डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से, दैट इज मे माय फर्स्ट रियलाइजेशन. जो अमाउंट है 22,000 बट उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो माइनस करके मेरा आंसर आ रहा है 20,000. अभी 20,000 से मुझे पेमेंट करना है तो फर्स्ट आई विल पे लोन. चलो लोन कितने का है, 8750. अभी भी मेरे पास कैश बैलेंस है तो हम लोग क्या करते हैं, अपन अपना ही मेथड फॉलो करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे. सो 20 में से 8 गया तो ये आएगा 11,250. ये तो खलास. अब 11,250 मुझे पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को, तो लेस क्रेडिटर्स 26 का पेमेंट करना है बट मेरे जेब में तो 11,000 है, तो चल 11,000 का पेमेंट करते हैं. तो 11,250 यहाँ पे आएंगे तो खाली खाली 26 माइनस 11, प्रॉपर कैलकुलेशन करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 15,000, 10,000, 70,000, 30 and 50. आगे बढ़ते, बैलेंस खत्म हो गया, अरे बाप रे. तो अभी क्या करने का, चल आगे बढ़ते. तो मई के बाद जुलाई, जुलाई में सेकेंड रियलाइजेशन का देखो टोटल करो कितना रुपीज अपने पास अवेलेबल है. 16,800 माइनस 1,800 दैट कम्स टू 15,000. 15,000 का कैश अवेलेबल है तो ये 15,000 का पेमेंट करने के लिए 15,000 का क्रेडिटर्स, लेस क्रेडिटर्स 15,000, मतलब मेरा पूरा कैश भी खत्म एंड क्रेडिटर्स भी खत्म हो गया. 10,000, 70,000, 30,000, 50,000. चल अब आगे बढ़ते, पैसा खत्म, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जुलाई के बाद सितंबर. सितंबर में थर्ड रियलाइजेशन, जरा कैलसी पे वापस हिसाब करो, वैसे डायरेक्ट भी तुम लोग निकाल सकते हो. इट कम्स टू 38,000. नाउ 38,000 में से पहला पेमेंट करना है लोन का, तो लेस इज लोन 10,000. 10,000 का पेमेंट हो गया तो बैलेंस कितना बचा, 28,000, और इधर का पैसा खलास. अब जो 28,000 बचा है मैं दूंगा एबीसी, मतलब पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स को पहले देंगे तो जरा यहाँ पे आ जाओ. एक्सेस मेथड मतलब 32,500 पहला सी को दिया जाएगा, तो 32,500 तो मेरे पास अवेलेबल है 28, लेस सी कैपिटल 28,000 डैश 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 28,000. चल सी को पेमेंट हुआ, 32,500 पे करना था जिसमें से 28 पे किया, 4,500 बाकी है, बाद में करेंगे. डैश 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 70, 30, 22,000. आगे बढ़ते, बैलेंस यहां पे आ गया. सितंबर के बाद नवंबर, फोर्थ रियलाइजेशन, जरा हिसाब किताब करके देखो फोर्थ रियलाइजेशन का अमाउंट कितना आ गया, 40,000. ना ये जो 40,000 है, 40,000 का मुझे हिसाब किताब करना पड़ेगा, बट उससे पहले लेस सी कैपिटल, तुमको याद रहेगा 4,500 बाकी था. 28,000, 4,000, 32,500, ठीक है ये सेटलमेंट कर देते हैं. तो डैश डैश डैश
डैश डैश 4500, बैलेंस कम्स टू 35500, 70,000, 30,000 एंड इसमें से चार गया तो बचेगा कितना 18, दैट इज 17,500। देखो कभी कभी ओरल कैलकुलेशन गलत होता है, मैं एक बार क्रॉस टैली कर लेता हूँ। यस परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, पैसा बचा है। तो सिंपल लेस पार्टनर्स कैपिटल। अब बारी है ए एंड सी का। तो जहां तक मुझे पता है तो देखो यहां पे ध्यान दो, प्रोपोर्शनेट कैपिटल ए एंड सी का 37,500 सेटलमेंट करना है। अपने पास अवेलेबल है 35, तो पहले 35,500 को सेटल करते हैं। 35,500 का सेटलमेंट इन द रेशियो, क्या रेशियो था उनका, 4:1। सो 35,500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, 28,400, 7,100। तो चलो फाइनली बैलेंस इज डैश, 70,000 में से 28,400 गया, बचा 41,600, ये 30,000, इधर से 10,400। नए बैलेंस नवंबर के बाद, नेक्स्ट है दिसंबर। तो दिसंबर में फिफ्थ रियलाइजेशन, देखो टोटल करो 65,000 का पैसा मुझे मिला। अपने को देना था 37,500, जिसमें से 35,500 दे चुके, 2,000 देना है। तो लेस पार्टनर्स कैपिटल ए एंड सी 2,000। सो 2,000 का पेमेंट करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको सेटलमेंट करेंगे। ये 2,000 विल बी पेड इन द रेशियो 4:1। सो 2,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, इट कम्स टू 1,600 एंड ये आएगा 400। बैलेंस इधर आएगा 63,000, यहाँ का बैलेंस 40,000, 30,000, 10,000। फाइनली और कोई इंस्टॉलमेंट कुछ भी नहीं है, तो ये फाइनल सेटलमेंट है। लेस पार्टनर्स कैपिटल 4:3:1, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 63,000 डिवाइडेड बाय 4, 8 होता है, इंटू 4, 63,000 का फुल पेमेंट, इसको जाएगा 31,500, 3, 23,625 एंड 1, 7,875 माइनस 10,000, 2,125, 30 माइनस 23,625, 6,375 और इधर का 8,500। यस 40 देना था बट 31 दिया, मतलब इन शॉर्ट ये अपने लिए हो गया लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है चलो फटाफट कॉपी कर लो ये। होप सो ये क्वेश्चन तुम लोग को अच्छे से समझा रहेगा। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। वहां पे जाने से पहले फुल क्लीन करना पड़ेगा अपने को। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20।
On 31st December 2013, the balance sheet of A, B and C sharing profit in the ratio 3:2:1 was as follows. अब सीन ऐसा है कि ये क्वेश्चन को पहले स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे तुम फाइनली बोलूंगा पूरा पीसमील सीखने वाले हो. मतलब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो ये क्वेश्चन रिफर किया ना, बस पूरा सम खत्म. एंड यहाँ पे कुछ नया पॉइंट भी मिलेगा जो इसके पहले मैंने पढ़ाया नहीं है, लास्ट में रखा था. अब मैं फाइनली एकदम परफेक्ट ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है. लाइबिलिटीज दिया है, असेट्स दिया है, जरा असेट पे फोकस करो. ड्राइंग्स दिया हुआ है. ए ड्राइंग्स बोल दिया मतलब ये पार्टनर्स का हो गया, तो सर क्या करने का. हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सबको स्टार मार्क करा है. कैपिटल दिया है, रिजर्व दिया है, रिजर्व पे पार्टनर्स का हक होता है. सिक्योर्ड लोन, अंडरलाइन द वर्ड सिक्योर्ड. जब मैं बोलता सिक्योर्ड है तो पहला इसको पे कर, बाद में सब पे कर. फिर है बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स. ये दोनों लेवल वाले लाइबिलिटीज है. एक ही लेवल पे इसको पहले पे किया तो इसको बुरा लगेगा, इसको पहले पे किया तो इसको बुरा लगेगा. तो दोनों को हम लोग को ना थोड़ा थोड़ा पे करना पड़ेगा. अभी कैसे पे करना है वो अपने को डिस्कस करना है. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड 4000, एक्चुअल 5000. तो मैं क्या बोलता, इधर डेट वेट कुछ दिया नहीं है तो हम लोग पूरा खर्चा एक साथ ही लेते. बोल कितना लेना है, 4 या 5. 4 एस्टिमेटेड है, 5 एक्चुअल है. तो हमेशा बॉस एक्चुअल में रहने का, ठीक है. तो कितने का खर्चा आएगा, 5000. असेट रियलाइज्ड जैन में 20000, फिर वापस 31 जैन को 4000, फिर 27000 एंड 26000. प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बाय अप्लाइंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड. तो चलो ठीक है, ड्राइंग्स के साथ स्टार्ट करते. पहले स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल. सब फॉर्मेट रेडी है, सिमिलर है, तो चलो ठीक है, मैंने पूरा प्रवचन भर दिया है. अब स्टार्ट करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स. तीन पार्टनर 49000, 21000 एंड 10000. अब इसमें रिजर्व्स क्या होता है, ऐड. तो चलो रिजर्व्स को ऐड करते हैं. रिजर्व्स दिया है टोटल 12000. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 मतलब 6. सो 12 डिवाइड बाय 6 2000. 2 3 6 4 2. सर आपने जगह क्यों खाली रखा है, बीच में खाली खाली जगह रखा हुआ है. नॉर्मली आप ऐसा करते नहीं हो, इसलिए रखा है बिकॉज ड्राइंग्स दिया हुआ है. ड्राइंग्स बोला मतलब पार्टनर्स कैपिटल. ड्राइंग का मतलब होता है एनीथिंग विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. तो ड्राइंग इधर से क्या हो जाएगा, लेस ड्राइंग्स. सर कैसे रेशियो में, रेशियो नहीं रहे उधर दिया है तो देखो क्लियरली बोला हुआ है ए का 10000, दूसरे का भी 10 है एंड 5000. अब एक याद रखना, प्रॉपर एड लेस करो. हा प्रॉपर ये ऐड होता है, ये लेस होता है. तो चलो प्रॉपरली प्लस माइनस करते हैं. 49 + 6 - 10 45000 21 + 4 - 25 - 10 15000 10 + 2 = 12 12 - 5 = 7000 प्रॉफिट 3:2:1 3:2:1 चलो अभी डिवाइड करते, बेस ढूंढते हैं. 45 divided by 3 15000 7500 and 7000. ओ शिट, सबसे कम ये है तो इसको बेस पकड़ते हैं. 7 1 7 7 2 14 7 3 21. तो फाइनली अपने को एडजस्ट है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मिल गया. लाइन के नीचे लाइन के ऊपर माइनस करते हैं. 45 - 21 24000 15 - 14 1000 7 - 7 -- तो इधर से तो आइडिया आ जाएगा कि भाई क्या है करके. तो चलो देखते हैं. 1000 divided by 2 500 इधर 8000 दोनों में से लेस 500 5 2 1000 5 3 1500 लाइन के नीचे लाइन के ऊपर माइनस कर दो. सो 24000 24000 - 1500 22500 फाइनली एक्सेस कैपिटल 22500. उसके ऊपर का 1500 एंड 1000 इसका अगर मैं टोटल करेगा तो टोटल आ रहा है 2500.
पहले लास्ट का पेमेंट होगा, फिर इसका पेमेंट होगा एंड फिर तीनों का पेमेंट होगा। तो चलो अभी पेमेंट करने के लिए सबसे पहला अपने को स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो जो हम लोग ने रेडी रखा हुआ है फॉर्मेट। स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस, चेक करो कैश 10,000, सिक्योर्ड लोन 18,000, क्रेडिटर्स 5,000, बिल्स पेएबल 10,000। अच्छा अभी ये दोनों ना सेम लेवल के हैं, तो मैं क्या करता हूँ, सेम लेवल के हैं तो दोनों को थोड़ा थोड़ा पेमेंट करना है। थोड़ा थोड़ा का मतलब होता है 5:10 के रेशियो में, मतलब जो भी कैश अवेलेबल होगा ना वो दोनों को 5:10 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और भी कम हो सकता है 1:2 करके, बट मैं 5:10 करके बात करेगा। ए बी सी, ए बी सी का जो पार्टनर्स है तो वो अपने को इधर स्टेटमेंट एडजस्टेड कैपिटल से उठाना है 45:15:7। चल उठा लेते हैं 45,000, 15,000, 7,000। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 10,000 का है, उसमें से लेस, मुझे पता है बहुत लोग भूल गए रहेंगे, एक्सपेंसेस पहले माइनस होता है। अपने को दिया एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड एक्चुअल, तो एक्चुअल 5,000, तो 5,000 माइनस करने के बाद बैलेंस बचा 5,000। अब ये 5,000 से मैं पहला पेमेंट किसका करेगा, लोन, तो लेस लोन 5,000, 5,000, पूरा पैसा खत्म, खत्म हो गया। तो इधर डैश डैश डैश, पैसा खत्म, देने का है 13,000, इसको पूरा 5, इसको पूरा 10, 45, 15 and 7,000। सर पैसा खत्म, तो पैसा जमा कर, पहला पैसा मिला है 15th Jan, अब उन्होंने डेट वाइज दिया हुआ है 2014 है, 15 Jan को फर्स्ट रियलाइजेशन। ज़रा अमाउंट चेक करो और बताओ कितना है करके, 20,000 का अमाउंट है अवेलेबल कैश। तो चलो 20,000 को पेमेंट करते, तो सबसे पहला पेमेंट लेस लोन, ये लोन को सिर्फ 13,000 देना है, तो 13,000 दे देते हैं, बचा 7। अब ये 7,000 क्रेडिटर्स को भी जाएगा, बिल्स पेएबल को भी जाएगा। अब तक हम लोग क्या करते थे, पूरा क्रेडिटर्स खत्म करते थे फिर आगे बढ़ते थे, अभी से नहीं, ये दोनों सेम लेवल के हैं तो दोनों को थोड़ा थोड़ा बटेगा। तो सर कैसे, लेस पेमेंट टू लायबिलिटीज इन द रेशियो 5:10, तो 7,000 रुपया दोनों को खत्म करेंगे 5:10 में। तो एक मिनट, बाकी सब जगह पे डैश, सो 7,000 डिवाइडेड बाय 15 into 5, तो इसका आंसर आ रहा है 2,333 एंड इंटू 10, 4,667। सर कब तक चलेगा, जब तक ये दोनों ख़त्म नहीं होते। तो चलो फाइनली बैलेंस निकालते, माइनस 10,000, 5,333, इधर का 5,000, 2,333, 2,667, पैसा ख़त्म 45, 15 and 7,000, पैसा खत्म हो गया। चल वापस पैसा मांगते हैं, तो 31 Jan को 4,000 का पैसा मिला, सेकेंड रियलाइजेशन। अब ये 4,000 मुझे पेमेंट करना है दोनों को, पहले तो चेक करते कि 5, 10, 15,000 है, 15,000 में से 7,000 पे हो गया, कितना पेमेंट करना है 8, इधर है कितना 4, मतलब अभी भी 4,000 बैलेंस है, बैलेंस, तो लेस लायबिलिटीज 5:10, अमाउंट है 4,000, पैसा खत्म, ये 4,000 दोनों को बटेगा, सो 4,000 डिवाइड बाय 15 into 5,
1333 इंटू 10 2667। ठीक है, तो चलो माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 1334 5333 माइनस 2667 2666 45,000 15,000 7,000। Now next part, third realization. चेक करो क्या डेट है, क्या अमाउंट है। तो डेट दिया है उन लोग ने 10th Feb 27,000 10th Feb 27,000 में से अपने को सबसे पहला पेमेंट करना है लायबिलिटीज जो कि 4,000 है इन द रेशियो 5:10। तो पहले इनका पेमेंट कर देते हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता है इसका अमाउंट भी 1334 आएगा। पॉइंट का डिफरेंस है, पॉइंट का डिफरेंस है, एंड इधर का 266। तो चलो मैं ऐसा बोल सकता है 27 में से 4 गया 23,000, ये खत्म खत्म खत्म। आगे बढ़ते 23,000 अभी मेरे पास बैलेंस अवेलेबल है, तीनों पार्टनर को देना है। तो तीनों पार्टनर को देने के लिए सबसे पहला आई विल पे माय एक्सेस कैपिटल जो कि ए है, तो लेस एज कैपिटल 22,500। चलो पेमेंट कर देते हैं 22,500 डैश डैश। सो फाइनली 500 रुपया बचा इधर 22,500 15,000 7,000। सर 500 रुपया, तो 500 रुपया बांटना पड़ेगा। लेस ए एंड बी कैपिटल, ऊपर जाना है, ए का एक्सेस खत्म हो गया, अभी ए और बी को बांटना है इन द रेशियो 3:2। एक्चुअली मुझे देना है 2,500 बट फिलहाल 500 अवेलेबल है तो वो खत्म कर दे। तो 500 रुपया ए और बी में खत्म करना पड़ेगा, तो जिसका अमाउंट आएगा 300 200। बैलेंस खत्म 22,200 14,800 7,000। पैसा खत्म हो गया, चल आगे बढ़ते। लास्ट इंस्टॉलमेंट है 19th Feb को, फोर्थ रियलाइजेशन। चेक करो कितना अमाउंट मिल रहा है, तो अमाउंट है 26,000 का। अब ये 26,000 में से सबसे पहला विल पे ए एंड बी कैपिटल 2,500 में से 500 पेड है, तो अभी पेमेंट होगा सिर्फ 2,000 का। चलो 2,000 का पेमेंट करते हैं इन द रेशियो 3:2। 2,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 1,200 800 डैश, यह आ जाएगा 21,000 14,000 7,000। अच्छा इधर बैलेंस बचा 24,000। सो फाइनली लेस पार्टनर्स, सब पार्टनर्स को बटेगा 3:2:1। सो 24,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 12,000 8,000 4,000, ये हो गया 8 1 9 6 3। समझा ये क्वेश्चन पक्का? चलो कॉपी कर लो ये फटाफट।
होप सो तुम लोग को ये सेशन में ये वाला वैरायटी अच्छे से समझा देगा जहाँ पे ड्राइंग्स था। तो ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, अपना यहाँ पे यही सेशन ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बट वहाँ पे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारा वेबसाइट है www.graduateguru.in, वहाँ पे ज़रूर विजिट करें, वहाँ पे आपको स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे एंड हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बाय।